उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखंड शासन की एक संस्था है, आप सभी का इस संस्था में सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हम एक सीरीज के तौर पे आप लोगों के मध्य रेनाउंड जो साइंटिस्ट हैं, हमारे बीच जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके द्वारा आपको लेक्चर डिलीवर करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज पुनः हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सुभाष नौटियाल साहब, जो एक प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक हैं। आप भूतपूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक FRI देहरादून से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं सर आपका स्वागत करता हूं यहां पे। मैं चाहूंगा कि आप जो है आज थोड़ा हमारे बच्चों को और दर्शकों को प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बताएं, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर काफी जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके बारे में विस्तार रूप से आप बताएंगे कि कैसे एक सेल से और कैसे हम जो है वनस्पति में किस प्रकार से उसको डेवलप किया जा सकता है, और इसका जो है जो बायोटेक्नोलॉजी में किस प्रकार से इस टिश्यू कल्चर को हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी भी आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे प्लांट टिश्यू कल्चर भी समझें, बायोटेक्नोलॉजी भी समझें, और इन दोनों के बीच किस प्रकार का आपस में क्या सामंजस्य है, इन दोनों का आपस में क्या क्या महत्व और रोल है, उस पर आप प्रकाश डालें। तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज बच्चों को थोड़ा इसके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इन द लेक्चर सीरीज फॉर साइंस एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट, आई एम डॉक्टर नौटियाल फ्रॉम FRI देहरादून। आई एम अ रिटायर्ड साइंटिस्ट, and today we will be talking about the tissue culture and biotechnology, how tissue culture is important and what is the contribution of tissue culture in biotechnology. बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, आपने सुना होगा कि tissue culture जो है एक process है, एक tool है, जिसका role propagation में और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आज बहुत अधिक किया जा रहा है। टिश्यू को हम पहले टिश्यू एंड कल्चर, तो पहले हम समझे कि कोशिका, जैसे कि एक सेल है, सेल इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, उसका शरीर कई तरह की कोशिकाओं से मिलके बनता है। तो कई तरह की कोशिकाएं मिलके एक पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देती हैं। इसमें यूनिसेलुलर भी कई ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें कि एक ही सेल सारे फंक्शन करती है, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स भी हैं। तो एक सेल जो है वो कोशिका एक यूनिट है, किसी इकाई की, जैसे एक बिल्डिंग की यूनिट एक ईंट है, उसी तरह से एक कोशिका जो है वो एक पूरे शरीर की यूनिट है। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलके जब एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करती हैं, उसको हम जो है टिश्यू कहते हैं या ऊतक कहते हैं। फिर कई टिश्यूज मिलके जो है वो एक ऑर्गन बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं, और फिर कई ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, या एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, वैस्कुलर सिस्टम हो, या नर्वस सिस्टम हो। तो जब कई जो है वो ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, एंड फिर कई सिस्टम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल बॉडी, एक पूरा जो है इंडिविजुअल बन जाता है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसमें कई सिस्टम काम कर रहे हैं, आपका बोन्स हैं, आपकी जो है मस्कुलर सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और आपका नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो कई सिस्टम मिलके फिर एक ऑर्गन बनाते हैं, एक पूरे इंडिविजुअल को बनाते हैं। देन एक कई इंडिविजुअल मिलके एक पॉपुलेशन बनती है, कई पॉपुलेशंस पे मिलके एक कम्युनिटी बनती है, कई कम्युनिटीज मिलके जो है एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं,
और कई इकोसिस्टम मिलके एक स्पेयर बनाते हैं, जैसे हमारे पास लिथोस्पेयर है, एटमोस्फेयर है एंड हाइड्रोस्पेयर है, और फिर वो इंटायर जो लिविंग है वो बायोस्फेयर जो है, सारे स्पेयर मिलके बायोस्फेयर बनाते हैं। तो इस तरह से एक सेल से पूरे हम बायोस्फेयर तक जाते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था टिश्यू की, तो कई सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, और उसमें जो है प्लांट की को जो है किसी एक टिश्यू को, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लेते हैं और उसको एक्स प्लांट से लेते हैं। एक्स प्लांट जो है मैंने जो मदर प्लांट है हमारा, जिससे हम टिश्यू को लेते हैं, वो ऑर्गन भी हो सकता है, कोई एम्ब्रियो भी हो सकता है, आइसोलेटेड सेल भी हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है। तो हम ये समझें कि किसी हमने एक छोटे से प्लांट पार्ट को लेके और लेबोरेटरी कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में उससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमको बनाने हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वो जो प्लांट सेल है वो जो है उसको हम एक न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करते हैं, और जो है दूसरी एसेप्टिक कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस और में उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन में रखे फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी लाइफ जो है जाइगोट, जबकि फर्टिलाइजेशन के बाद एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और इसमें फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होकर इसमें डिवीजन होकर जो है वो ऑर्गन और आगे जो है वो पूरा इंडिविजुअल जो है डेवलप होता है। लेकिन जब हम इसको टिश्यू कल्चर के द्वारा करते हैं तो एक सोमेटिक सेल जो है, दो तरह के सेल्स हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, दूसरी सोमेटिक सेल्स हैं। तो जो सोमेटिक सेल है उसको भी हम लेके उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव हैं टिश्यू कल्चर के, वो ऑब्जेक्टिव ये हैं कि सबसे पहली बात यह है कि जब हमारे पास एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल होता है, एक ही आपके पास पौधा है या एक आपके पास बीज है या पौधे का एक छोटा सा पार्ट है, तब एक बड़ी चैलेंजिंग हमारे पास स्थिति होती है कि भाई कैसे उससे बहुत सारे इंडिविजुअल हम बना सकें। तो इसके लिए टिश्यू कल्चर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे उसमें होता है। और दूसरा इसका ये इम्पोर्टेंस है कि हम वायरस बैक्टीरिया फ्री जो है वो, फंगस फ्री बैक्टीरिया फ्री जो है प्लांट्स को सॉरी कैसे ग्रो करें, ये टिश्यू कल्चर फिर इसमें सामने आता है। और फिर ये है कि जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन के हमारे कन्वीनियंट और जो मैक्रो प्रोपोगेशन मेथड्स हैं, इसमें जो है हम नंबर ऑफ प्लांटलेट्स जो है वो बहुत लिमिटेड बना सकते हैं, जबकि टिश्यू कल्चर के द्वारा हम प्लांट मटेरियल को बहुत ज़्यादा संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें हम लेबोरेटरी में एक ही फ्लास्क में सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं। तीसरी जो इसकी मुख्य बात मैंने आपको बताई वो यह है कि टिश्यू कल्चर के द्वारा हम जो है वो अक्रॉस द कंट्रीज जो है वो स्टराइल प्लांटिंग मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं, भेज सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो ये जो मेथड है ये इस तरह से बायोलॉजी में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है ये आज वो कर रहा है, प्ले कर रहा है। फिर आज जो ये भी बात हो रही है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे पौधे या हमारे बैक्टीरिया वगैरह बनाते हैं या फंगस बनाते हैं, उनको हम लेबोरेटरी कंडीशन में उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को कल्चर करके वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम सिंथेसाइज करते हैं। आज आपने सुना होगा कि इंक डाइजेशन में या पल्पिंग में या और कई जो है बेकरी में कैसे हम माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई करके और उसे अपनी इंडस्ट्री को चलाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इसका
रोल है। तो मेन इसके जो रोल है वो आ गया माइक्रो प्रोपोगेशन, फिर डिजीज फ्री मटेरियल एक्सचेंज, और फिर इट इज यूज ऑल्सो यूज फॉर कंजर्विंग द ट्यूबर क्रॉप्स, एक्सचेंज ऑफ जर्म प्लान, कंजर्वेशन ऑफ फंगस माइसीलियम, पर्टिकुलरली एडिबल एंड मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट फंजाई, दे आर एक्सचेंज, दे आर कंजर्व इन टिश्यू कल्चर और थ्रू टिश्यू कल्चर। एंड टिश्यू कल्चर इज अ मेजर टूल फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन and genetic engineering experiments. So in biotechnology, tissue culture plays a role of major tool for all the genetic transformation and genetic engineering experiments. Now, how to organize a laboratory, or what we require in a laboratory where we can do tissue culture. So tissue culture cannot be done in open. It is always done in aseptic condition, in laboratory condition, controlled condition. And for that we require certain facilities. So the first kind of facility may be washing of storage of glassware, washing and storage of glassware and plasticware, because so many type of glasswares and plasticwares we require in tissue culture. So washing, storage facility has to be there. Then preparation, sterilization and storage of nutrient media, because we grow plants artificially. So in this case we require nutrient media to grow the tissue. Sorry. Aseptic manipulation of plant material. Aseptic means we have to sterilize the plant material, and then we have to acclimatize the cultures in vitro conditions. Now, how the washing room looks like? You must have brushes of different size, large sink, running tap water. This should be required in washing. So the first step is washing room. उसमें क्या क्या आपको चाहिए? आपको soap चाहिए, brushes चाहिए, running tap water चाहिए और एक बड़ा sink चाहिए जिसमें कि आप अपना glassware and plasticware धो सकें। फिर इस glassware जो plasticware आपने wash किया है इसको आपको स्टरलाइज करने के लिए अवन में रखना पड़ता है, और जो अवन है वो 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको 3 आवर्स के लिए स्टोर करके रखते हैं, मेनली ग्लासवेयर को, क्योंकि प्लास्टिकवेयर तो गल सकता है, इसलिए ग्लासवेयर को इसमें जो है वो रखा जाता है। दूसरी है आप जो स्टेप आती है वो स्टरलाइजेशन की है, कैसे आप इसको फ्री फ्रॉम ऑल पेस्ट डिजीजेस, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस के स्पोर्स अगर आपके जो ग्लासवेयर या प्लास्टिकवेयर है या आपका मीडिया है उसको उससे हटाएं, उनको ख़त्म करें, तो उसके लिए आपको ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 × 105 PA जो प्रेशर है इस पर 30 मिनट तक रखना पड़ता है, जिससे कि जितना भी माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स हैं वो नॉर्मली ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 15 मिनट तक आपको इसको स्टरलाइज करना है। तो दूसरा स्टेप आपका स्टरलाइजेशन का आता है। तीसरा स्टेप है ट्रांसफ़र एरिया, जिसमें कि आप जो एक्स प्लांट से आप उसको जो है वो टिश्यू कल्चर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें लेमिनर फ्लो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक कैबिन टाइप का है, और इसमें एयर ब्लो होती है, और एयर ब्लो होने पे डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं जिससे कि अल्ट्रा क्लीन एयर इसमें आती है, और इसमें जो है वो आप इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होता, वो हाथ को जो है
स्टरलाइज करना पड़ता है, जिससे आप ट्रांसफर कर रहे हैं नीडल को उसको स्टरलाइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप जरा सा भी कहीं कंटेमिनेशन आ गया तो वो आपके सारे टिश्यू कल्चर में बाद में कंटेमिनेशन फंगस या और बैक्टीरिया या और चीज़ें फैल जाएंगी, तो कंटेमिनेशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर आपने जब एक्स प्लांट से जो है वो आपके टिश्यू कल्चर में फ्लास्क में या जो भी मीडिया जिसमें टेस्ट ट्यूब है या फ्लास्क है जैसा कि आप देख रहे हैं अभी, उसको ट्रांसफर करने के बाद आप ग्रो चेम्बर में रख देते हैं और वो मीडिया में जो भी आपका मटेरियल है वो ग्रो करता है, वो मल्टीप्लाई करता है, उगता है। तो ये जो चेम्बर है ग्रो चेम्बर, इसमें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड लाइट, ये तीन जो फैक्टर हैं इनको कंट्रोल किया जाता है, ताकि और रैक्स इसमें लगे होते हैं और ये पूरा चेम्बर स्टरलाइज होता है। जब कोई इसमें घुसता है तो शूज बाहर निकालने पड़ते हैं, फिर एक छोटा चेम्बर होता है जिसमें कि आप पे ईयर ब्लो करती है और वो ईयर ब्लो जो है ब्लोअर जो है वो आपके साथ जो भी स्पोर्स अगर कोई जा रहे हो कंटेमिनेशन जिससे हो सकता हो वो हटा दिए जाते हैं। देन यू इंटर इनटू दिस ग्रोथ चेम्बर वेयर योर टिश्यू कल्चर फ्लास्क एंड बॉटल्स एंड टेस्ट ट्यूब्स आर केप्ट। तो ये जो है इसका टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको रखते हैं और ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी इसमें रखी जाती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो और इसमें कंप्लीट क्लीनलीनेस हम मेंटेन करते हैं। तो ये ग्रोथ चेम्बर्स आपके हैं। फिर जो है इसके बाद जब हमारे पौधे इसमें ग्रो कर जाते हैं, इसमें दो कंडीशन दो चीज़ें होती हैं, एक को कहते हैं हम ग्रोथ। जब हम ग्रोथ का मतलब है कि व्हेन अ टिश्यू ग्रोज इन क्वांटिटी एंड इन शेप, जब उसका वॉल्यूम में वो बढ़ता है, वेट में बढ़ता है, वो ग्रोथ है। और डिफरेंशिएशन होता है जब वो रूट शूट में डिवाइड होता है, रूट इनिशिएशन और शूट इनिशिएशन होता है, उसमें कई तरह के एंजाइम्स एंड हार्मोन्स हम उसमें ऐड करते हैं और जो मीडिया है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये ग्रोथ के बाद फिर ग्रीन हाउस एंड एक्लिमेटाइजेशन। अब जब हम टिश्यू कल्चर में हमने प्लांट्स बना दिए, उसके बाद उनको हम ग्रीन हाउस में लाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम उनको बाहर फील्ड में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इन्वायरमेंट से, बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट से आते हैं। तो उनको अगर हम डायरेक्ट बाहर फील्ड में ले जाएंगे तो वो जो है फील्ड में चूँकि बहुत सारे अनअवॉइडेबल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, विंड है, आपके जो है वो पैथोजेंस हैं, पेस्ट हैं, माइक्रोब्स हैं, वो एकदम उस पौधे को अटैक करके उसको जो है वो सर्वाइवल उसका डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए फील्ड में ले जाने से पहले लेबोरेटरी से उसको बाहर निकाल के कंट्रोल कंडीशन में कुछ दिन रखते हैं, ताकि वो एक्लिमेटाइज कर जाए, बाहर के लिए उसको हम पहले तैयार करते हैं। तो उसमें यह है कि जो हमारे रूटेड प्लांटलेट्स हैं उनको जार्स में या पॉलीबैग्स में, जिसमें सॉयल सैंड और फार्मयार्ड मैन्योर का स्टरलाइज्ड मिक्सचर वन बाय वन मिला होता है, उसमें ट्रांसफर करके ग्रीन हाउस में रखते हैं, जिसमें कि इन्फेक्शन बहुत कम होता है, उसमें हाई ह्यूमिडिटी हम रखते हैं और पूरी हाइजेनिक कंडीशंस उसको दी जाती हैं। तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस में कुछ दिन रखने से उसमें हार्डनिंग होती है, मतलब वो उसको हम तैयार कर रहे हैं बाहर ले जाने के लिए। और एक बार जब प्लांटलेट्स हमारे हार्ड हो जाते हैं तब हम उनको फिर मिक्स चेम्बर में डालते हैं कुछ दिन के लिए, एंड फाइनली वी शिफ्ट देम टू आउटसाइड एंड इन द नेट हाउस। तो धीरे धीरे करके हम उसको लेबोरेटरी से बाहर लाते हैं ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस से शेड हाउस में, शेड हाउस से नेट हाउस में, एंड फ्रॉम नेट हाउस वी शिफ्ट द प्लांट टू द फील्ड। ये स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं ग्रीन हाउस किस तरह का होता है। इट मे बी अ
प्लास्टिक हाउस, इट मे बी ग्लास हाउस, प्रोटेक्टेड कंडीशंस हैं जिसमें एसेप्टिक कंडीशन रखी जाती है। उसके बाद नेट हाउस होता है जिसमें हम रेडिएशन को कट करते हैं, सन रेडिएशन, सूर्य का जो प्रकाश है, ताकि बहुत ज़्यादा जो है पौधों को नुकसान ना हो। और इसके बाद टिशू कल्चर मीडिया पे हम आते हैं जिसमें हम टिशू कल्चर करते हैं। वो जो मीडिया होता है वो कितने तरह का है, देखिए 5 तरह का मीडिया है। वाइट्स मीडियम, ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने मीडिया बनाए हैं जो 1953 और 1963 में ये पब्लिश किया हुआ है। और इसकी तरह से क्या क्या मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीडिया में होनी चाहिए। दूसरा आपका एमएस मीडिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मीडिया है जो 1962 में साइंटिस्टों ने ईजाद किया है। फिर है B5 मीडिया, नीतीश मीडिया है, और N6 मीडिया है। ये अलग अलग सालों में लोगों ने टिशू कल्चर के लिए डेवलप किए हैं। और इसमें ये जो है MS मीडिया जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलीग्राम पर लीटर इनकी क्वांटिटी आपको दिखाई गई है, जिसमें कि NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो किस किस साल्ट के फॉर्म में इसमें डाले जाते हैं, उनकी क्या कंसंट्रेशन होती है, ये इन स्लाइड्स में दिखाया गया है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो पौधे के लिए चाहिए, और जैसे ये KI है, S3BO3 है, बोरोन है, फिर मैंगनीज है, जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, उसके डिफरेंट सॉर्ट्स होते हैं, उनका डिफरेंट वेट के हिसाब से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो बनाया जाता है। आयरन के लिए भी जो है उसके सॉर्ट्स डाले जाते हैं। फिर ऑर्गेनिक्स जो उसमें ऑर्गेनिक का मटेरियल जो डाला जाता है उसका भी आपको ये स्लाइड में दिखा रहे हैं। इनोसिटॉल है, निकोटिनिक एसिड है, पेरिडोक्सिन HCl है, थाइमिन है, फिर सप्लीमेंट एडिटिव इसमें सुक्रोज और एगर जो है डाला जाता है, वाटर डबल डिस्टिल वाटर इसमें यूज किया जाता है। तो 1 लीटर जो डिस्टिल वाटर है उसमें कितना कितना क्वांटिटी आप डिफरेंट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डालेंगे और सबस्ट्रेट्स की डालेंगे वो इस इन स्लाइडों में दिखाया गया है। और जितना आपको बनाना है उसी हिसाब से, जितने लीटर आपको जो है वो मीडिया बनाना है उसी हिसाब से इनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अब इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। जो भी हम क्लोनल प्रोपोगेशन करते हैं वो पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या बिना बीज के जो है हमारे पौधे बनाने की बात है। बीज से पौधे बनाने में ये जो है उसका माइनस पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम मदर प्लांट से, चाहे एक ही मदर प्लांट से हम बीज इकट्ठा करें, उसके बाद भी बीज से जो पौधे तैयार होंगे वो हेट्रोजाइगस पौधे हम उनको कहते हैं, या हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन कहते हैं, क्योंकि जो सीड हम मदर प्लांट से इकट्ठा करते हैं उसमें हमको ये पता नहीं होता है कि जो पॉलिन ने, जिस भी पॉलिन ने उसको फर्टिलाइज किया है वो कौन से पौधों से आया है, क्योंकि वो विभिन्न पौधों से जो है पॉलिनेशन हो सकता है। तो मदर प्लांट के 50% करेक्टर तो हम एसर्टेन कर सकते हैं अगर मदर प्लांट एक ही है, लेकिन जो पॉलिन है वो डिफरेंट सोर्सेज से आ सकता है। इसलिए जो सीड पौधे बनाएगा उसमें हेट्रोजाइगस अलग अलग टाइप के गुणों वाले सीडलिंग्स हमारी होंगे, या वो हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन होगी। जबकि एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा हम ट्रू टू टाइप या 100% मदर प्लांट की ट्रू कॉपी बनाते हैं। तो ये जो है वो क्लोनल प्रोपोगेशन के फायदे हैं। और उसमें माइक्रो प्रोपोगेशन जो है, जो टिश्यू कल्चर है, वो इन विट्रो कल्चर टेक्निक्स भी हम इनको कहते हैं लैब में, उससे जो है हम पौधे
बना सकते हैं। इसके द्वारा जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी होता है, क्योंकि जब आप कोई भी प्लांटिंग मटेरियल जो सुपीरियर जीनोटाइप हमारा है उसको जब आप टिश्यू कल्चर से प्रोपोगेट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जेनेटिकली जो है सुपीरियर जो है मटेरियल है, और ये प्लांट प्लांटिंग मटेरियल जो है ये जेनेटिकली सुपीरियर है। तो ये ब्रीडिंग का जो ये एस्पेक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और फॉरेस्टी में फ्लोरिकल्चर में माइक्रो प्रोपोगेशन का बहुत बड़ा यूज है, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज पर्टिकुलरली, जो कि बहुत ही कम मटेरियल जिसका नेचर में बचा हो उसको कंजर्व करने वाली जब बात आती है और बहुत सारे पौधे बनाने वाली जब बात आती है, वहाँ पर टिश्यू कल्चर हमारा एक बहुत बड़ा टूल होता है, एक बहुत बड़ा सहायक साइंस है। तो ये जो अभी हम बात करते हैं, कई बार लिक्विड कल्चर की बात करते हैं, तो उसमें भी हमारे जो है वो उसमें टिश्यू कल्चर या मीडिया का रोल होता है, क्योंकि जो हम लिक्विड में जब कोई चीज़ें जब उगाते हैं प्लांट्स को, तो उसमें चूंकि सॉयल तो है नहीं, मीडिया है नहीं, मीडिया जो है वो लिक्विड है, तो लिक्विड में पूरे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी पौधे को चाहिए वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरह से टिश्यू कल्चर का यूज होता है। सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स मैंने कहा था वो भी इससे बनती हैं, लाइक रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स में कई जो है सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसमें भी हमारा टिश्यू कल्चर का उपयोग होता है। और जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर की हम बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की इन विट्रो बात करते हैं, वहाँ पर भी टिश्यू कल्चर का हम उपयोग करते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा हमारा टूल है इम्प्रूवमेंट के लिए भी, और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए। अब जो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, एज ए टिश्यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोड बाय इधर शॉर्ट टर्म टेस्टिंग ऑफ जेनेटिक कंस्ट्रक्ट्स और रीजनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, मैंने आपको बताया कि आज जो बायोटेक्नोलॉजी है वो उसके द्वारा हम जीन्स को प्लांट टू एनिमल एंड एनिमल टू प्लांट में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कर सकते हैं। उसमें जो है फिर जो आपने इंडिविजुअल बनाया उसको रीजनरेट करने के लिए हमको टिश्यू कल्चर की ज़रूरत पड़ती है। और जो भी प्लांटिंग मटेरियल हम वायरस फ्री बनाते हैं उसमें भी टिश्यू कल्चर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अभी जो जनरल टेक्निक्स माइक्रो पॉपुलेशन के, इसमें हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि कैसे हम टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधों को बनाते हैं या उनको बना सकते हैं। तो इसके लिए प्रिपरेटिव स्टेज पहले आती है, उस प्रिपरेटिव स्टेज में यह है कि हमारे पास जो है वो प्रॉपर चेम्बर होना चाहिए, ग्रोथ चेम्बर, हमारे पास जो है वो सेलेक्टेड जो है वो प्लांट एक्स प्लांट होना चाहिए, हमारे पास सारी जो है जो कल्चर रूम ए सेप्टिक कंडीशंस होनी चाहिए, और सबसे पहले हम सेलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट जिसको कि हमने मल्टीप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करते हैं। उसमें वेजिटेटिव बर्ड हो सकती है, मेनली हम एडवेंटेजियस जो टिश्यू है उससे लेते हैं, जहाँ पर कि जैसे रूट टिप है, सूट टिप है, या लीफ है, लीफ टिप है, जहाँ पर कि टिश्यू जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, फ्रेश जो है वो सेल्स हैं, वहाँ पर उसको लिया जाता है। वो जो एक्स प्लांट है वो हमारा हमारे हिसाब से जो डिजायर्ड जिस तरह का मदर प्लांट होना चाहिए, जो भी करेक्टर्स हम उसमें देखना चाहिए या लेना चाहिए वो उस प्लांट में होने चाहिए। फिर उस एक्स प्लांट को हम जो है
वो स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज एजेंट हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे HgCl2 है और NaOCl है, H2O2 है और फंजीसाइड्स वगैरह हैं। इनसे का यूज करके हम उसको, अगर एक्सप्लांट में किसी तरह के कोई कंटेमिनेंट्स हैं तो उनको सबसे पहले हम हटाते हैं, उसको स्टरलाइज करते हैं। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीडिया की बात आती है, जो भी हमारा मीडिया है ग्रोथ के लिए उसके अलग अलग कम्बिनेशंस हैं, और माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा उसमें साइटोकाइनिंस, ऑक्सिजेंस और ये सब डाले जाते हैं ताकि उसमें ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी हो सके। ये जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है, एक छोटी सी कटिंग जो है वो टेस्ट ट्यूब में डाली गई है, उसमें फिर शूट इनिशिएशन होता है, फिर उसमें रूट इनिशिएशन होता है, कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब कोई भी इंडिविजुअल टिश्यू मल्टीप्लाई करता है और सेम टिश्यू बनाता है वो कैलस इनिशिएशन कहलाता है। उसके बाद इसमें देखिए थर्ड स्टेज में शूट इनिशिएशन हो रहा है, फिर दूसरी स्टेज आती है मल्टीप्लिकेशन की। उसमें हमने जो है कल्चर को एस्टेब्लिश करके उसको जो है वो रूट इनिशिएशन भी उसमें इनिशिएट किया जा सकता है, किया जाता है। फिर सूट मल्टीप्लिकेशन की बात आती है कि एक सूट से फिर बहुत सारे सूट कैसे कल्चर किए जाएँ, कैसे बनाए जाएँ। और तीसरी स्टेज है रूटिंग ऑफ सूट्स, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो जाएगा लेकिन फिर शूट इनिशिएशन के बाद रूट इनिशिएशन भी ज़रूरी है, बिना रूट इनिशिएशन के हम पौधे नहीं बना पाएंगे। तो रूटिंग के लिए उसमें अलग तरह के ऑक्सिजेंस एंड साइटोकाइनिन्स डाले जाते हैं, मेनली NA का, इसमें निकोटिनामाइड एडिनिन जो है, निकोटिनामाइड एसिटिक एसिड जो है इसमें डाला जाता है। ये जो है रूट इनिशिएशन के लिए अच्छा माना जाता है, या इनिशिएट करता है इन विट्रो रूटिंग। ये जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्लांट्स टू ग्रीन हाउस। अब ये कुछ दिन रूट शूट इनिशिएशन के बाद हम प्लांटलेट्स को जो है वो ग्लास हाउस कंडीशन में ले जाते हैं एक्लेमेटाइजेशन के लिए। तो ग्रीन हाउस से फिर उसको नेट हाउस में ले जाते हैं, और ये आप जैसा कि स्लाइड में देख रहे हैं, ग्रीन हाउस में ये पौधे एक्लेमेटाइज होते हैं, फिर हार्डनिंग चेम्बर में उनको ले जाते हैं, एंड फाइनली और उनको जो है वो फील्ड में ले जाते हैं। ये एक माइक्रो प्रोपोगेशन की स्टेजेस आपको बताई गई हैं, जिसमें सेलेक्शन ऑफ मदर प्लांट्स फॉलोड बाय द द एक्स प्लांट, एक्जली बर्ड, लिटिल बर्ड, इंटरनोड और लीफ रूट एक्सेट्रा, देन सरफेस स्टेरिलाइजेशन, देन वॉशिंग, देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट ग्रोथ मीडिया, एंड देन रैपिड शूट फॉर्मेशन, इन विट्रो रीजनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स, ट्रांसफर टू ग्रीन हाउस फॉर एक्लेमेटाइजेशन, देन ट्रांसफर टू नेट हाउस, सॉयल ट्रांसप्लांटेशन। So this is these are the various steps we discussed today in tissue culture, and finally we get the desired plantlets. With this we take your leave. Thank you so much. जैसे डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को बताई, उसमें मैं पुनः जानना चाहूंगा कि जो ये टिश्यू कल्चर के बारे में आप बता रहे थे, इनमें इनकी कुछ और प्रमुख विशेषताएं यदि आप बताना चाहें तो हमारे छात्रों को बताएं प्लीज। डॉक्टर नौटियाल, जैसे कि हमने अभी अपनी परिचर्चा में बताया कि टिश्यू कल्चर एक बहुत बड़ा आज टूल है हमारे पास, जिससे कि हम, पहले तो इसका रोल खाली ये था कि हम कैसे किसी भी प्लांट मटेरियल को लाखों और हजारों में बना सकते हैं, इसमें इसका बड़ा भारी रोल था। लेकिन आज इसका रोल इससे भी बढ़कर एक बायोटेक्नोलॉजी में एक टूल के रूप में, एक हथियार के रूप में इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
जैसे कि आपको विदित होगा कि जो प्लांट्स हैं, पौधे जो हैं, उनकी हर सेल में एक टोटिपोटेंसी होती है। ये टोटिपोटेंसी एक तरह का गुण है या करैक्टर है जिसके द्वारा इस प्रत्येक सेल एक पूरे इंडिविजुअल प्लांट में कन्वर्ट की जा सकती है, या एक कोशिका किसी भी प्लांट की एक पूरे ऑर्गेनिज्म को उसी तरह की जिसकी वो सेल है जन्म दे सकती है। और इसी प्रिंसिपल को आधार मानते हुए टिश्यू कल्चर के द्वारा आज हम किसी विशेष जो हमारा जीनोटाइप है या जो इंडिविजुअल प्लांट है उसके हजारों और लाखों प्लांट्स हम बना सकते हैं और बना रहे हैं। इसका एक और भी दूसरा मुख्य रोल है, वो ये है कि टिश्यू कल्चर के द्वारा हम उन प्लांट्स का जर्म प्लाज्म कंजर्व करते हैं जिसमें ट्रू सीड नहीं होता या सीड नहीं होता, जो हमारी ट्यूबर क्रॉप्स हैं और राइजोम्स हैं, और जैसे जिंजर है, बनाना है, आपका टर्मेरिक है, पोटैटो है, इनका जर्म प्लाज्म हम इसमें कंजर्व कर सकते हैं। और एक तीसरा जो मुख्य टिश्यू कल्चर का रोल है वो ये है कि जो वायरस या डिजीज फ्री जर्म प्लाज्म हम एक्सचेंज करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वो टिश्यू कल्चर के द्वारा आज बहुत आसानी से हो रहा है। पहले जो है इसमें जो प्लांट जर्म प्लाज्म एक्सचेंज है उसमें इसका आज बड़ा भारी रोल हो गया है। और जो भी हम जो इडिबिल फंगस और मेडिसिनल हमारी फफूंद है या फंजाई है उसका जर्म प्लाज्म भी आज बड़ी आसानी से एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। और फाइटोसैनिटरी जो सर्टिफिकेट है, जो क्वारंटीन की जो हमारी पहले समस्या होती थी उसमें काफ़ी हमको जो है आराम है, और ये बड़ा सेफ इंट्रोडक्शन या एक्सचेंज होता है। तो ये इसके मुख्य विशेषताएं हैं या जी फायदे हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि आपका पूरा जीवन ही ये वनस्पति विज्ञान पे के रिसर्च पे लगा हुआ है, और निसंदेह आप जितना भी बताया हमारे बच्चों के लिए बहुत काफी ज्ञानवर्धक है। थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे थोड़ा ये जो है व्यावहारिक रूप से ये जानना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को आप ऐसी सरल भाषा में जो वैज्ञानिक जो शब्दावली है उससे परे थोड़ा सा ये बताएं कि व्यावहारिक जीवन में हमारे बच्चे कैसे समझेंगे, इसमें क्या क्या लाभ है। बच्चों, मुख्य बात यह है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव माने कायिक जनन, बिना बीज के जब आप पौधे बनाते हैं तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। और उसके फायदे ये हैं कि जो आपका मदर प्लांट है, जिस पौधे को आपने सेलेक्ट किया है किसी विशेष उसके करेक्टर की वजह से, एक वैरायटी आपको बहुत अच्छी लगी और आप उसी को उसी की तरह के पौधे चाहिए, तो ट्रू टू टाइप हम उसको कहते हैं। वो तभी बन सकते हैं जब आप उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करें, क्योंकि सीड द्वारा प्रोपोगेशन से ट्रू टू टाइप नहीं हो सकता। तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए जो हम मैक्रो प्रोपोगेशन और माइक्रो प्रोपोगेशन, ये दो हमारे विशेष वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के तरीके हैं। मैक्रो प्रोपोगेशन में जैसे कटिंग्स को हम रूट कराते हैं या बडिंग ग्राफ्टिंग करते हैं या ईयर लेयरिंग करते हैं, उसमें हम पौधे बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते, उसका एक लिमिटेड जो है संख्या में ही पौधे उसमें बन पाते हैं। लेकिन टिश्यू कल्चर के द्वारा एक छोटे से पार्ट से भी हम लाखों पौधे बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, और वो बिल्कुल ट्रू टू टाइप होंगे, माने जैसे मदर प्लांट होगा उसी तरह के पौधे होंगे और उसी तरह का टेस्ट, उसी तरह के गुण आपको पौधों में मिलेंगे, इसकी गारंटी आप दे सकते हैं। वो इसका बड़ा भारी फायदा है। और जो क्रॉप आप देखते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉपुलर का प्लांटेशन देखते हैं, बिल्कुल एक जैसे पेड़, एक जैसी हाइट, एक जैसे तने की मोटाई, एक जैसे करेक्टर, तो होमोजीनियस जो प्लांटिंग मटेरियल है वो उसी क्लोनिंग के द्वारा बनता है, इसको क्लोनिंग भी कहते हैं। तो ये इसका बड़ा भारी जो है वो उपयोग है। और एक्सचेंज वगैरह में जब हम एक देश से दूसरे देश में
प्लांटिंग मटेरियल बेचते हैं, तो इसमें भी इसका उपयोग हो रहा है। तो सरल भाषा में हम यही कह सकते हैं कि टिश्यू कल्चर से हम बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के पौधे बना सकते हैं, और जो जर्मप्लाज्म है उसको एक देश से दूसरे देश भेज सकते हैं, और ऐसी क्रॉप्स, ऐसे जो है हम अपने पौधों को इसमें संरक्षित रख सकते हैं जिनमें सीड नहीं होता है। ये तीन इसके मुख्य विशेषताएं हैं। जैसे सर ये टमाटर वगैरह है, क्या इसमें भी इसका रोल होता है? टमाटर एक साइज के आज मार्केट में मिलते हैं, या सेब एक ही साइज के, तो इसमें भी इसका कुछ? हाँ, वैरायटी, अगर आप टिश्यू कल्चर से जो पौधे बनाएंगे तो एक्स प्लांट जिस मदर प्लांट से आप लेंगे, जो भी उसका मदर पौधा होगा, उसी की तरह के बिल्कुल ट्रू टू टाइप 100% उसी तरह के पौधे आप इसमें बनाते हैं। वो टमाटर में भी हो सकता है टिश्यू कल्चर, अगर आपको एक पर्टिकुलर वैरायटी के टमाटर के 1,00,000 पौधे बनाने हैं तो टिश्यू कल्चर उसमें प्रयोग में लाते हैं। जी सर, जैसे जो है अभी प्रोजेक्टर में आपने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण आज की डेट में जो है बायोटेक्नोलॉजी है, उसी प्रकार से टिश्यू कल्चर भी एक जो है महत्वपूर्ण अंग बन गया है, तो ये टिश्यू कल्चर का बायोटेक्नोलॉजी में क्या रोल है और क्या हो सकता है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी आज बहुत एडवांस हो गई है। आज हम जो है वो DNA को मैनिपुलेट करके अपने डिजायर्ड टेलर मेड, जिसको आप कहते हैं टेलर मेड ऑर्गेनिज्म, पैदा करने की हम क्षमता में आ गए हैं। और इसमें जो एडवांसेस हैं बायोटेक्नोलॉजी के, उसमें जीन्स का जो ट्रांसफर है, जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड था उसमें जो रिलेटिव स्पीसीज थी, एक ही फैमिली की जो प्रजातियां होती थी उन्हीं में क्रॉस ब्रीडिंग की जा सकती थी और हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसेस से आज ये संभव हो रहा है कि हम प्लांट से एनिमल में, एनिमल से प्लांट्स में जीन ट्रांसफर कर पा रहे हैं, बैक्टीरिया से प्लांट्स में। प्लांट तो बहुत इजी है, एनिमल टू एनिमल तो बहुत इजी है, बट प्लांट टू एनिमल एंड एनिमल टू प्लांट ट्रांसफर भी आज पॉसिबल हो गया है, और उसमें टिश्यू कल्चर जो है एक टूल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टिश्यू कल्चर के द्वारा ही फिर जो हमारा ट्रांसजेनिक मटेरियल है, जो हमारा मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मटेरियल है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको संरक्षित रखते हैं, तो उसमें टिश्यू कल्चर का मेजर रोल जो है वो है, क्योंकि टिश्यू कल्चर ही एक टूल है जिसके द्वारा हम फिर उस ट्रांसजेनिक मटेरियल को आगे बढ़ाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। सर, ये एनिमल के रूप में भी ये जो टिश्यू कल्चर, वहां भी यूज किया जा सकता है क्या? हाँ, एनिमल्स में तो टिश्यू कल्चर चूंकि अभी बहुत ज्यादा नहीं किया गया है, अभी जो डॉली और मॉली जो आपकी भेड़ें बनी थी उसी में जो है इन विट्रो जो है वो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया गया था, और जो है वो एग सेल से कुछ क्लोनिंग करने की बात हुई थी, पर एनिमल्स में टिश्यू कल्चर अभी इतना ज़्यादा इसका उपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी जो सेल्स हैं उनकी अलग लिमिटेशंस हैं। प्लांट सेल में चूंकि टोटिपोटेंसी है, इसलिए इसका अधिक उपयोग इसमें हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो है आपका हमारे छात्रों की मुझे लगता है कि और ज्यादा उत्सुकता इसके प्रति आई होगी कि कैसे हम जो है टिश्यू कल्चर और कैसे जो है इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे एनिमल में, जैसे आपने बताया कि वो जो है जो डॉली भेड़ वाला जो केस था उसी संदर्भ में कैसे हम आगे और बढ़ सकते हैं, तो निसंदेह छात्रों में एक जो रिसर्च की भावना है वो भी जागृत होगी। मैं आपका यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं यूसर्क से डॉक्टर ओम प्रकाश नौटियाल, जो यहाँ पे वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, आपको पुनः दूसरे एपिसोड में दूसरे साइंटिस्ट के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, आपके साथ यहाँ पे पुनः हम आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इंटरेस्ट से इन चीजों को देखें, और जो आपकी कुछ क्वेरीज हो वो हमसे आप इस स्टूडियो के मार्फत, इस यूसर के मार्फत आप हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर।